जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार प्रबल मंथन में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपकी एक बहुत ही स्पेशल सी क्लास, जिसको हम लोग अगर बात करें ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अमृत के समान ये क्लास हो गए, और इसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और इस क्लास के माध्यम से हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं सबका बेहतरीन तरीके से आपके डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग क्लास का लास्ट में ओपिनियन जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। सबसे पहली बात किसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपके टोटल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, सबसे पहली तो ये बात है। तो ये आपके टोटल 24 भाषा में अगर बात किया जाए ये पुरस्कार आपके दिया जाता है। 22 भाषाएं जो है आपके कहां से संबंधित है, तो ये आपके जो 8वीं अनुसूची में संविधान में वर्णित है वहां पे, और 2 में अगर देखा जाए तो एक आपके इंग्लिश की बात करें और एक आपके राजस्थानी की बात करें। इस तरीके से टोटल कितना 24 आपके भाषाएं हैं जिसमें ये आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके दिया जाता है। ये प्रति वर्ष दिया जाने वाला आपके क्या होता है, पुरस्कार के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1955 में आपके प्राप्त हुआ था। और अगर हिंदी के बारे में बात किया जाए, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो सबसे पहले आपको किसको मिला था, माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, किसके बारे में, माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं, जिसको अगर देखा जाए इनमें इनकी एक प्रमुख रचना थी जिसका नाम क्या था, हिम तरंगिणी, के लिए इनको यह सम्मान आपके ये पुरस्कार मिला था, इसको ध्यान दीजिएगा। तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो 1955 में तो दिया गया है। 1962 के बारे में बात जब करते हैं तो 1962 में यह पुरस्कार आपके नहीं दिया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पुरस्कार अगर बात करें 65 में दिया गया था और 2000 में भी यह पुरस्कार आपके दिया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखेंगे, बहुत ही प्यारा और आसान सा प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द के सही जोड़ी आपके नहीं है। देखिए, राग का विराग के साथ संबंध बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वयस्टि का समष्टि के साथ संबंध, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर बच्चा का जवान के साथ संबंध, इसमें तो बहुत झमेला है। बच्चा का जब भी संबंध होगा तो बुढ़ा से होगा। अगर विलोम शब्द के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तम के बारे में बात करें, अदम, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की गुंजाइश नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, कि इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आ रहा है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। देखिए, भारतेंदु युग के बारे में जब भी बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य को आसानी से समझने के लिए इसको अलग अलग काल में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपने पढ़ा, सबसे पहले देखा जाए आदि काल के बारे में बात किया जाए, तो उसके बाद रीति काल के बारे में बात किया जाए, उसके बाद भक्ति काल की बात करें, और एक आपका आधुनिक काल की बात करें। उसी आधुनिक काल के अंतर्गत आपके भारतेंदु युग के बारे में बात करें, द्विवेदी युग के बारे में बात किया जाए, उसके बाद देखा जाए तो आपके छायावाद युग के बारे में बात करें, और छायावादेतर युग के बारे में भी बात की जाती है। लेकिन आप सभी को पता है कि भारतेंदु युगीन कवि इसमें कौन नहीं है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी बिल्कुल है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी भी आपके भारतेंदु युगीन कवि हैं, और अंबिका दत्त व्यास भी आपके भारतेंदु युगीन कवि हैं। लेकिन अगर देखा जाए श्रीधर पाठक की बात करें तो इनका संबंध इससे नहीं है। तो जब इनका संबंध ही इससे नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा आपके पास है, बरसो रे मेघा मेघा है, मेघा बरसो, यानी पयोधी के बारे में बात किया जाए, सिंधु के बारे में आपसे बात किया जाए, है वारिस के बारे में बात किया जाए, ये किसके पर्यायवाची है।
पयोधि की बात करें, सिंधु की बात करें, वारिस की बात करें, ये किसके पर्यायवाची है, तो बरसो रे मेघा मेघा काट दो, नदी के बारे में तो बिल्कुल काट दो, गंगा के बारे में तो बिल्कुल काट दो। तो मेरे प्यारे साथियों बचा कौन, तो समुद्र बचा, और इसी समुद्र से किसका संबंध है भाई साहब, पयोधि का भी संबंध है, इसी समुद्र से सिंधु का भी संबंध है, इसी समुद्र से वारिस का भी संबंध है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने जाह्नवी कपूर का तो नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि आप लोग मूवी देखते हैं, और जाह्नवी कपूर के जब भी बारे में बात करते हैं तो गंगा के पर्यायवाची के तौर पे आप जाह्नवी को भी देख सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, यानी कि पांचवा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों के लिए सही शब्द को चुनना है। अब आइए चुनते हैं भाई, एक बार बोल रहा है कि अभिषेक डैश घर चला गया है, अभिषेक किसके घर चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, अभिषेक इस घर चला गया, अभिषेक उस घर चला गया। तो देखो ना अभिषेक इस घर गया, ना उस घर गया, ना किसके घर गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, यानी कि उसका मन भर गया। अभिषेक आया था कि चलो थोड़ा सा बकैती करते हैं, लेकिन जैसे उसको पता चला कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का डेट तो आ गया है एग्जाम का, तो बोला कि ना अब बकैती से काम नहीं चलेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। अब अभिषेक अपने आप क्या चला गया, घर गया, और बोला कि चलिए सुबह में 10 बजे प्रसून सर के हिंदी के क्लास लेंगे और आराम से हिंदी में 37 में 37 ठोक के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात किया जाए। अगर आप लोगों से पूछा जाए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है कि सन 2019 के बारे में अगर बात किया जाए, मैं ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ब्यास सम्मान के बारे में जब भी बात किया जाए ना, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और आप सभी को पता है कि ये इसकी शुरुआत जो है ना, ये वर्ष 1991 में आपको देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्ष 2019 में अगर देखा जाए तो ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो नरेंद्र कोहली को बिल्कुल भी नहीं, ममता कालिया के बारे में बात करें बिल्कुल भी नहीं, लीलाधर जगूरी की बात करें बिल्कुल भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब नासिरा शर्मा होगा, और आपको पता है कि इनको इनकी एक कृति है जिसको कागज की नाव के नाम से जाना जाता है, और उसी कृति के लिए इनको यह आपके सम्मान मिला, इसको आप लोग याद रखेगा। और ब्यास सम्मान के बारे में बात करते हैं तो इसमें नगद कितने रुपए की राशि आपको प्राप्त होती है, तो 4 लाख रुपए की नगद राशि आपको प्राप्त होती है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2022 में आपको पता है कि ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो शिव शंकरी के बारे में बात करते हैं। ये आपके महिला लेखिका है जिनका संबंध किससे है, तमिल भाषा की बात करें इसको आप लोग ध्यान देंगे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके तत्सम है, मेरे प्यारे बाबू लोग बताइए, तो उपरोक्त की बात करें है, अगर कमल की बात करें, इकट्ठा की बात करें, और उज्ज्वल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर सही मायने में देखा जाए तो उज्ज्वल क्या है, तत्सम रूप है, और उज्ज्वल का उजाला के साथ संबंध हो जाएगा। और उज्ज्वल के बारे में बात करें वर्तनी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये आपके बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न बनता है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उज्ज्वल के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि केला का तत्सम रूप क्या होता है, तो आप कदली बताते हैं कि नहीं, पगली नहीं, कदली बताते हैं, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, उज्ज्वल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं भाई साहब, करता हूं कि नहीं। अब मैं कर रहा हूं किसके लिए, आपके लिए, और आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, तो इसका मतलब मेरा काम करना क्या है, निरर्थक है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो कर्ता कहते हैं भाई साहब, कि करण कहते हैं, कि कर्म कहते हैं, कि क्रिया, तो ना क्रिया ना कर्म ना करण कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ता, आपके करण अर्जुन नहीं आएंगे, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थानों के लिए सही शब्द कौन सा होगा, तो चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी अपना लगाइए, थोड़ा सा आप लॉजिकल मतलब रूप में सोचिएगा, तो ये रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि गिलास डैश तोड़ा, क्या गिलास के बारे में बात करें, गिलास तुमने तोड़ा,
तो जब तुमने तोरा ये बात आता ना, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की बात नहीं की जाती। अब एक एक बात को पकड़ना होगा, तभी जाके आप प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। गिलास उसने तोरा, नहीं सर, क्योंकि इंडिकेट तो कर दिया है आंसर हमको, वहां पे प्रश्नवाचक के बारे में बात किया जाए। गिलास इसने तोरा, इसने उसने तुमने में से कोई नहीं, कहने का मतलब क्या है, गिलास किसने तोरा, इस तरीके से प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। तो देखिए, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को मिला था। इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ। यानी कहने का मतलब क्या, विचार का अंत से इनका संबंध है क्या, तीसरा रूप से इनका संबंध है क्या, संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध से इनका संबंध है क्या, अकथ आपके कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय से, तो ना इससे संबंध है, ना इससे है, ना इससे है, संबंध इनका किससे है, तीसरा रुख के बारे में बात करते हैं। इसी के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, इस बात को ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए आगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, अगला क्वेश्चन अब आपको मिलान करना है। लोकोक्ति एक तरफ दिया है और दूसरे तरफ उसके सही अर्थ के बारे में बात करें, एक दूसरे को मिला देना है, यानी कि ललना को पियावा के साथ मैच कर देना है, इसको ध्यान दीजिए। अब बताइएगा, पहला बोला है कि चित भी पेरी नहीं है भाई, चित भी मेरी आप पट भी मेरा, यानी चित भी मेरी पट भी मेरा का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, कि दोनों ओर से लाभ चाहना। तो देखिएगा, एक का ए कहीं कहीं दिख रहा है तुमको, तो बोलेंगे ए में भी दिख रहा है सर और डी में भी दिख रहा है, तो बी और सी को काट दे तो कोई दिक्कत ना सर। आगे बढ़िए ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब अपराधी भयभीत रहता है, अयोग्यता का दोष दूसरे को देना, भला करके भूल जाना चाहिए। तो बताइए तो भाई साहब, इसके बारे में बात करें तो दो का भी तो हमको दिख गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी हमेशा क्या डरा रहता है कि नहीं, कि बाप कब कथा जाएंगे कुछ पता नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब बताइए भाई साहब, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है, कि अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, यानी कि मेरे में कुछ कमी है तो मैं अपनी कमी को नहीं स्वीकार करूंगा, मैं दूसरे पे उसको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, और मैं अपने आप को बलवान समझूंगा कि भाई मेरे जैसा कोई भी नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका सी के साथ संबंध है, तो कितना लॉलीपॉप सवाल हो गया है। नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि अगर बात किया जाए भला करके भूल जाना चाहिए, भला करिए और भूल जाइए भाई साहब, ये मत सोचिए कि मैंने इसके लिए ये कर दिया, इसके लिए वो कर दिया, जो कर दिया सो कर दिया, अब आगे बढ़ जाइए। यानी कि इस प्रश्न का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए, जल्दी से बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अभी आपने थोड़ा सा दिमाग में, थोड़ा सा ध्यान में रखे होंगे, तो निंदा के विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, क्या स्तुति करना, क्या राग, क्या द्वेष, क्या सम्मान के बारे में बात करें, तो जल्दी से बता दीजिए कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, इसके बारे में आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। है राग का किसके साथ संबंध आपने पढ़ा भाई साहब, विराग के साथ है। अगर आपसे पूछा जाए तो निंदा का क्या स्तुति होगा, क्या आपके पास सम्मान होगा, तो बोलेंगे सिंपल सी बात है सर, निंदा का किसके साथ संबंध होगा, स्तुति के साथ संबंध होगा। अगर विलोम की बात करते हैं तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 की बात करते हैं, इसको जरा से देखिए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, 8वीं अनुसूची में इस बात की चर्चा भी की गई है, और इन्हीं 22 भाषाओं में आपको क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें, अभी वर्तमान में किसको, दामोदर मौर्य को प्राप्त हुआ है। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। मैथिली के बारे में बात करें ये तो शामिल है, मणिपुरी के बारे में बात किया जाए ये भी शामिल है, बोडो की बात करें ये भी शामिल है, भोजपुरी की बात करें तो ये शामिल नहीं है। जब भी भोजपुरी के बारे में बात करें, मैथिली के बारे में बात करें, मगही के बारे में बात करें, इन सब का संबंध आपके मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत किसके अंतर्गत देखा जाता है, मागधी अपभ्रंश की बात करें, और वो आपके किसके, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो भोजपुरी आपके अभी 22 भाषाओं की सूची में शामिल नहीं होता हुआ दिख रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जरा सा देखेंगे भाई,
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं भाई साहब, तो कर्म कहते हैं। क्या कर्ता कहेंगे? नहीं भाई साहब, कर्म अपादान ये सब कुछ नहीं। जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तभी ना कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अधिकरण, उसके बाद संबंध, उसके बाद संबोधन कर देंगे, मामला क्या हो जाएगा खल्लास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये पूछ रहा है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कर्म कहा जाएगा। और अगर सही मायने में बात किया जाए तो इसको कर्म बोलिएगा, कर्म मत करिएगा नहीं तो कर्म आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, अपादान कारक लो आ गया, कारक के बारे में बात करें तो उसके कारक विभक्ति चिन्ह के बारे में बात करें या प्रसर्ग के बारे में बात करते हैं तो बताइएगा। अपादान की बात करें तो से अलगाव के अर्थ में, तो देखिए कौन किससे अलग हो रहा है, किसका टंगरी छटक गया, किसका टंगरी टूट गया, यानी कि श्याम का घर गया जी सर जी, ये तो होने से रहा। पेड़ से गिर पड़ा, कौन गिर पड़ा, तो तुम गिर पड़ा कि वो गिर पड़ी, नहीं भाई साहब परी ही गिर पड़ी, यानी कहने का मतलब पेड़ से गिर पड़ा ये आपका सही होगा। कुर्सी के नीचे क्या है जाने दो, आरी से काटो तो काट दो, यानी कहने का मतलब पेड़ से गिर पड़ा, ये आपके अपादान कारक की बात करें इसके अंतर्गत लिया जा सकता है, इसको ध्यान देंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सही वाक्य को आप पहचानिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। मुझे तो लगता है कि इस प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये बोलने में भी सही लग रहा है और सही मायने में भी सही है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके पास 17 नंबर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो भाई साहब बताइए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपके पास क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे कि देखिए सिंपल सी बात है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर आपके पास ये हो जाएगा कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं इसको याद रखिएगा, और ये आपके पास रहा आज का 18वां प्रश्न और ये आपके लिए HW रहेगा। ठीक है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है, क्या पक्षपाती है, क्या विपक्षी, क्या पक्षघाती, क्या द्विपक्षी के बारे में बात किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से लिखिएगा और बताइएगा कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। आपका जो भी ओपिनियन हो, आप सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी अपना विचार रख सकते हैं, कुछ कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, सही किया जाएगा। आज आपकी ये पहली क्लास थी, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।